हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू PIB 24/7। मैं हूं मनीष मिश्रा एंड इन दिस सेशन वी विल डिस्कस 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द PIB न्यूज। गाइस, इन टुडे सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस पोर्टल्स, कैंपेन्स और एप्स दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट द कोविड-19। इससे पहले भी हमने एक वीडियो में कुछ पोर्टल्स और कुछ कैंपेन्स के बारे में पढ़ा था, लाइक हमने युक्ति पोर्टल के बारे में पढ़ा था एंड भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन के बारे में जाना था। So guys, there are various portals, various campaigns and various apps that has been launched by the government to tackle this menace of COVID-19. But we will cover all the significant apps and campaigns in the upcoming videos. You guys don't have to worry about that. Alright. So let's begin with the session. But before we begin guys, there is one correction in the yesterday's video. अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो उसमें हमने टिफैक के बारे में पढ़ा था और हमने ये पढ़ा कि इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1986, बट नो, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1988। ओके, 1986 में उसको कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। ऑलराइट, इट वॉज रिकमेंडेड बाय कैबिनेट इन द ईयर 1986, बट इट वॉज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1988। तो जो भी आपने नोट्स अगर बनाए हैं तो उसमें करेक्शन कर लीजिएगा। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे। द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज लॉन्च्ड अ वेबसाइट कॉल्ड कोविड ज्ञान which relies on the best available scientific understanding of the corona disease and its transmission and serves as a hub to bring together a collection of resources in response to the COVID-19 outbreak, which is not a collaborative partner of this website. So guys, this COVID Gyan website has been launched by Ministry of Science and Technology, which is headed by Harsh Vardhan, whose Lok Sabha constituency is Chandni Chowk, which is in New Delhi. Now this website, it is a multi-institutional, multilingual science communication initiative of Tata Institute of Fundamental Research, Indian Institute of Science and Tata Memorial Center. This website will serve as a hub to bring together a collection of resources in response to the COVID-19 outbreak. And the content presented here relies on the best available scientific understanding of the disease and its transmission. Basically, आप इस website से कोविड-19 के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं और वो कैसे फैलता है वो जान सकते हैं एंड उससे कैसे बचा जा सकता है, ये सभी जानकारी आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगी। एंड इट इज डिजाइन्ड विद मल्टीफेसेटेड एस्पेक्ट्स टू राइट इन्फॉर्मेशन थ्रू टॉक्स फ्रॉम एमिनेंट साइंटिस्ट इन ऑडियो पॉडकास्ट फॉर्मेट्स, इन्फोग्राफिक्स, पोस्टर्स, वीडियोज, FAQs एंड मिथ बस्टर्स एंड इवन सम लिंक्स टू साइंटिफिक पेपर्स। ओके, सो ये वेबसाइट काफी हेल्पफुल है कोविड-19 के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए। ऑलराइट, एंड इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो व्हाट वाज द क्वेश्चन गाइस? सो क्वेश्चन इज व्हिच इज नॉट अ कोलैबोरेटिव पार्टनर ऑफ दिस वेबसाइट। सो कोलैबोरेटिव पार्टनर इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टाटा मेमोरियल सेंटर एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज नॉट अ कोलैबोरेटिव पार्टनर, which means option D is the correct answer. Question number 2 guys. Union Minister of Health and Family Welfare Dr. Harsh Vardhan launched the COVID India Seva to fight against the pandemic COVID-19. What is the objective of COVID India Seva? So this is the Twitter handle of COVID India Seva. Basically ये एक Twitter page है जो कि Ministry of Health and Family Welfare ने launch किया है ताकि जितनी भी credible information है अबाउट कोविड-19 वो प्रोवाइड कराया जा सके टू द सिटीजन्स और किसी भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन से हमारे सिटीजन्स को बचाया जा सके। इट इज लॉन्च्ड फॉर प्रोवाइडिंग द लेटेस्ट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कोविड-19 एंड पीपल अक्रॉस इंडिया कैन गेट देयर नोवल कोरोना वायरस डिजीज डाउट्स क्लियर्ड बाय ट्वीटिंग टू एट कोविड इंडिया सेवा। कोई भी सिटीजन इंडिया का या कोई भी पीपल अक्रॉस इंडिया जो नोवल कोरोना वायरस डिजीज है उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं बाय ट्वीटिंग एट कोविड इंडिया सेवा। ऑलराइट, सो व्हाट वाज द क्वेश्चन? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोविड इंडिया सेवा? सो गाइस, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड द लेटेस्ट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कोविड-19। सो देयरफॉर गाइस, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर टुडे इज टू ट्रैक होम क्वारंटाइन पीपल ऑन अ रियल टाइम बेसिस, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज developed a mobile application named Dash under Smart Cities Mission. What is the name of the app? So guys, the name of the app is Siam and it has been launched by Pune Municipal Corporation और ये ऐप लॉन्च की गई है ताकि जो क्वारंटाइन लोग हैं, क्वारंटाइन सिटीजन्स हैं ऑफ पुणे, उनके ऊपर ट्रैकिंग रखी जा सके। एंड दिस मोबाइल एप्लीकेशन हैज जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम so that whenever quarantined citizens leave their homes, city administration gets alerted and the local ward or the local police station gets informed, who then visits the family। अगर कोई quarantined citizen अपने घर से बाहर निकलता है तो जो भी administration है city का, उसको alert मिल जाएगा and then that administration will inform the local police station, जो कि फिर उसकी family को visit करेगा। जितने भी होम क्वारंटाइन सिटीजन है ऑफ पुणे, उनको मैंडेट दिया गया है कि वो इस ऐप को डाउनलोड करेंगे। एंड जो सिटीजन्स की मूवमेंट है उनको मॉनिटर किया जाता है रियल टाइम फ्रॉम द मॉनिटरिंग सेल एंड आर मार्क्ड एज रेड, एम्बर और ग्रीन। जो रेड कलर है दैट सिग्निफाइज दैट द पर्सन हैज वेंचर्ड आउट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, वो बहुत देर तक बाहर निकला। येलो सिग्निफाइज दैट द पर्सन हैज लिमिटेड मूवमेंट्स, कुछ देर के लिए बाहर निकला एंड वापस आ गया। एंड ग्रीन सिग्निफाइज दैट द पर्सन इज कन्फाइंड टू हाउस लिमिट, अपने घर के आसपास ही है। सो इन तीन कलर्स की मदद से जो भी क्वारंटाइन सिटीजन है उनकी मूवमेंट को मॉनिटर किया जाएगा through this app which is known as Siam, and it is developed by Pune Municipal Corporation under Smart Cities Mission. Okay, so therefore guys, the correct answer to this question is E Siam. The name of the app is E Siam. Question number 4 for today is: as India went into extended lockdown in mid-April, the Ministry of Tourism, headed by Pralhad Singh Patel, launched a web series under the Incredible India banner titled Dekho Apna Desh. In English, it is See My Country. Each webinar carries a flavor of its city, and the first webinar for Dekho Apna Desh was called City of Cities - Personal Diary, and it went live on April 14. You have to fill up this gap. All right. So guys, this is the Instagram page of Incredible India. यहाँ से आप देखो अपना देश के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. Okay. Now it has been launched to provide information on the many destinations and the sheer depth and expanse of the culture and heritage of Incredible India. इंडिया के कल्चर, इंडिया के हेरिटेज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ये देखो अपना देश वेबिनार सीरीज लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, एंड इट एम्स टू एनकरेज इंडियंस टू एक्सप्लोर देयर ओन कंट्री। अपनी कंट्री को एक्सप्लोर करने के लिए, अपनी कंट्री के रिच कल्चर, अपनी कंट्री के हेरिटेज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। और ये जो वेबिनार है, इसका जो पहला सीरीज है, इसका नाम है सिटी ऑफ सिटीज दिल्लीज पर्सनल डायरी, सिटी ऑफ सिटीज दिल्लीज पर्सनल डायरी। एंड दिस वेबिनार विल बी अवेलेबल ऑन द मिनिस्ट्रीज सोशल मीडिया हैंडल्स इनक्रेडिबल इंडिया ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। एंड वन सेकेंड गाइज, yes, so information on the Dekho Apna Desh webinar series is regularly posted on the Incredible India social media pages of the Ministry of Tourism, Government of India, and this online series is named as similarly to Dekho Mera Desh, जो कि इस साल जनवरी में लॉन्च किया गया था उन लोगों को रिवॉर्ड करने के लिए जिन्होंने एटलीस्ट 15 इंडियन डेस्टिनेशंस को एक साल में विजिट किया था। ओके, सो ये जो वेबिनार सीरीज है, इसकी पहली वेबिनार सीरीज का नाम है सिटी ऑफ सिटीज Delhi's personal diary. Okay, so therefore the correct answer is B, Delhi. Now last question for today is: the Union HRD Minister Shri Ramesh Pokhriyal Nishank launched national program Vidya Daan 2.0 for inviting e-learning content contributions. Which one of the following e-learning content development projects on the Vidya Daan website have to be chosen to contribute to the Vidya Daan 2.0? So let us first discuss about this Vidya Daan 2.0. So this was launched for inviting e-learning content contribution, and it is launched on Diksha portal. Diksha stands for Digital Infrastructure for Knowledge Sharing. It stands for Digital Infrastructure for Knowledge Sharing, and it is used by CBSE, NCERT to strengthen e-learning content. Basically, जो लॉकडाउन का जो पीरियड है उसमें जो स्कूल और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनके अपने स्टूडेंट्स को ई लर्निंग कंटेंट प्रोवाइड करवाना है। एंड वो ई लर्निंग कंटेंट जो है वो गवर्नमेंट ने कुछ जो हमारे सिटीजन्स हैं या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे कहा है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी इंडिविजुअल विलिंगली अपना कंटेंट कंट्रीब्यूट करना चाहता है टुवर्ड्स द ई लर्निंग ऑफ सिटीजन्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, तो वो कर सकता है ऑन द विद्या दान 2.0 ऑन द दीक्षा पोर्टल। ओके, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल अपना कंटेंट कंट्रीब्यूट करना चाहता है टुवर्ड्स द स्ट्रेंथनिंग ऑफ ई लर्निंग इन इंडिया, सो वो अपना कंटेंट डोनेट कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है इन द विद्यादान 2.0. ऑलराइट, एंड ये जो विद्यादान 2.0 है ये लॉन्च किया गया है ऑन द दीक्षा पोर्टल. नाउ व्हाट इज द मेथोडोलॉजी ऑफ द प्रोग्राम? So contributors can contribute a variety of e-learning content in the form of explanatory videos की form में, animations की form में, teaching videos, lesson plans, assessments and question bank in the prescribed format. और ये जो content है ये monitor किया जाएगा by a panel of academic experts and released for use on the Diksha app to help millions of children across the country. And one can nominate one's institution on the Vidya Daan portal as a contributing organization by choosing one or more of the following four e-learning content development projects on the Vidya Daan website. और ये चार e-learning content development projects कौन से हैं? Contribution towards e-content for CBSE curriculum for grades 1st to 5th, for 6th to 8th, for 9th and 10th and for 11th and 12th. Okay guys, so I hope आपको Vidya Daan portal के बारे में information clear है. Vidya Daan portal एक ऐसा portal है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना कंटेंट कंट्रीब्यूट कर सकता है ताकि इंडिया का जो ई लर्निंग इकोसिस्टम है उसको एक बूस्ट मिले. ऑलराइट, नाउ व्हाट वाज द क्वेश्चन? सो द क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ई लर्निंग कंटेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑन द विद्या दान वेबसाइट हैव टू बी चूजन टू कंट्रीब्यूट टू द विद्या दान 2.0. सो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ई कंटेंट फॉर सीबीएसई करिकुलम फॉर ग्रेड्स 1st to 5th ये भी है, 6 to 8 के लिए भी है, 9, 10, 10 के लिए भी है और 11th and 12th के लिए भी है. सो देयरफॉर गाइस द करेक्ट आंसर विल बी वन और मोर अमंग ए बी सी और डी. सो ऑप्शन ई इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू लाइक द सेशन. फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल anujjindal.in एंड प्रेस द बेल आइकन. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.